गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजुल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अमेज़न कुर्तीज भी है, कुर्ता प्लाजो भी है, सारा कलेक्शन है, टोटल 5 आउटफिट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारों की बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी चैनल पे आपको हर टाइप्स के हॉल्स देखने को मिल जाएंगे, प्रोडक्ट रिव्यू, मेकअप वीडियो, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरी चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरी बात की आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से पर्टिकुलर कुर्तीज का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मुझे उसके लिए इंस्टा पे आपको मुझे फॉलो करना होगा और वहां पे जाके आप डीएम कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट की लिंक जो है वो शेयर कर सकते हो कि पर्टिकुलर ये वाली प्रोडक्ट का रिव्यू कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी जो रिक्वेस्ट है मैं पूरी करूंगी। मेरी दूसरी भी चैनल है डीआईवाई की, अगर आप डीआईवाई देखने में इंटरेस्टेड है तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कुर्ती है वो इस तरह की है, जो बोलते हैं वो वाली, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका फैब्रिक जो है वो रियॉन का है और इसके नेक की बात करते हैं तो इस तरह का आपको राउंड नेक मिलता है। इसके अंदर गोल्डन प्रिंट की गई है, लाइट पिंक, डार्क पिंक कलर है। और स्लीव की बात करते हैं तो स्लीव में भी आपको ऐसी गोल्डन प्रिंट मिल जाती है, यहाँ पे पिंक बॉर्डर मिलती है लाइट पिंक कलर की, तो स्लीव भी पूरी हैवी है। और नेक का पोर्शन देखते हैं तो वो भी पूरा हैवी है, तो जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही हैवी आता है। और रेयॉन की है, इसको आप कभी भी पहन सकते हो, फेस्टिवल में भी पहन सकते हो, वेडिंग्स में भी पहन सकते हो। नीचे की तरफ देखते हैं तो गोल्डन प्रिंट है, पूरा भरा हुआ है जैसे आप देख रहे हो वैसे ही, इसकी वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और ये अनारकली है, फ्लोर लेंथ तक की है, गाउन स्टाइल इसको हम बोल सकते हैं। और ये मुझे 700 समथिंग में पड़ी थी, आई थिंक मेरी जो साइज है वो एल साइज है और हाइट जो है वो 5'3" है। बैक साइड भी आपको आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको ऐसा पूरा भरा हुआ हैवी मिल जाता है प्रिंटेड, जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आता है और हैवी आता है। गोल्डन प्रिंट की वजह से पूरी कुर्ती का लुक जो है चेंज हो जाता है, तो ये मस्ट बाय है, इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से ये वाली कुर्ती के लिए बिग थम्स अप है, बहुत ही अच्छी है। इसकी क्वालिटी देखते तो बहुत अच्छी है, ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो है सेकेंड वाली कुर्ती, इसमें बहुत सारे कलर्स है बट मुझे येलो सबसे ज्यादा पसंद आया था, ये इस तरह का है जैसे आप देख रहे हो वैसे ही, तो येलो कलर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। लाइट ग्रीन पिस्ताचियो कलर भी था और इसका फैब्रिक जो है वो क्रेप का है। नेक की बात करते तो आपको ऐसी गोल्डन प्रिंट मिलती है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो वैसे, इसकी वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और लाइट येलो लेमन कलर बोल सकते हैं वो टाइप का है। स्लीव में भी आपको ऐसी गोल्डन प्रिंट यहाँ पे मिल जाएगी और ये अगेन अनारकली है, फ्लोर लेंथ तक की है और इसकी प्राइस 500 समथिंग ही थी, इसीलिए मैंने इसको बाय कर ली। और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, पार्टी वेयर है, आप कहीं पे भी इसको पहन सकते हो और इसके अंदर आपको लाइनिंग की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी। नीचे देखते तो नीचे भी आपको ऐसी गोल्डन बॉर्डर मिलती है जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही हैवी आता है। और क्रैप है लेकिन अच्छा वाला क्रैप है, आप इवन गर्मियों में भी पहन सकते हो, वो चुभने वाला क्रैप नहीं है तो आप इसको इजीली पहन सकोगे। बैक साइड हम देखते हैं तो बैक साइड पूरी प्लेन मिलेगी और जैसे मैंने बताया वैसे ही अनारकली है, फ्लोर लेंथ तक जाएगी, गाउन स्टाइल की इसको हम बोल सकते हैं वो टाइप की है, तो ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसके लिए भी बिग थम्स अप है मेरी तरफ से, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है और कलर्स भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर पसंद आता है वो ले सकते हो, लेकिन मुझे येलो ज्यादा पसंद आया था, ये कलर कॉम्बिनेशन में येलो जो था वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, तो इसके लिए भी बिग थम्स अप है। बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद की जो कुर्ती है वो इस तरह की है, ब्लू तीन कलर, तीन ब्लू जो बोलते हैं वो टाइप का कलर है और ये पीक में मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसकी ब्रांड का नेम भी आई थिंक तिल 19 है। फर्स्ट टाइम ये वाली ब्रांड मैं ट्राई कर रही हूँ, ये पीक में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और इसका फैब्रिक जो है पॉलिस्टर या पॉलिस्टर टाइप का बोल सकते हैं, कॉटन या रेयॉन नहीं है। नेक की बात करते तो सिंपल राउंड नेक मिलता है आपको और इसके अंदर आपको ऐसी गोल्डन प्रिंट मिलती है और बहुत ब्यूटीफुल है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है। स्लीव देखते तो स्लीव आपको पूरी भरी हुई मिलती है, इस तरह की प्रिंटेड मिलती है जिसके अंदर गोल्डन प्रिंट है, पिंक कलर की, स्काई ब्लू कलर की प्रिंट मिल जाएगी तो स्लीव पूरी हैवी हो जाएगी। और पीक में जैसी थी रियल में भी वैसी आई है और ये जो है वो अनारकली है, गाउन स्टाइल बोल सकते हैं, फ्लोर लेंथ तक की है, नीचे तक जाएगी
ऊपर से नीचे तक का इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। नीचे भी आपको इतना हैवी प्रिंट मिल जाती है, इसका लुक इसकी वजह से बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही हैवी आता है। आप देखिए नीचे की तरफ जो है वो, और इसमें आपको जो है ऐसी ये अनारकली है, लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पे साइड में जो स्लिट आती है वो मिलती है, दोनों तरफ मिलती है आपको, तो थोड़ी सी डिफरेंट है इस तरह की। यहाँ से स्टार्ट होती है दोनों तरफ है अनारकली, नीचे तक गाउन स्टाइल है, लेकिन साइड स्लिट जो आती है वो आपको मिल जाती है इसके अंदर। बैक साइड देखते हैं हम, तो बैक साइड पूरी प्रिंटेड है, अगेन जैसे फ्रंट में थी वैसे ही बैक में है, जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो हैवी आता है। और कुर्ती बहुत ही अच्छी है और इसकी प्राइस 600-700 समथिंग में थी जब मैंने ली थी, तब मे बी प्राइस में अभी वेरिएशन हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो ये वाली कुर्ती के लिए मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो। जैसे पिक में थी वैसे सेम टू सेम आई, इवन आप इसको गर्मियों में भी पहनोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, पॉलिएस्टर टाइप का है बट गर्मी इसमें नहीं लगेगी। उसके बाद जो है वो पूरा सेट है कुर्ता एंड प्लाजो का, आई थिंक यह कुर्ता एंड पैंट का, ये बॉटम ग्रीन कलर का है जैसे आप देख रहे हो वैसे, और ये पूरा 600-700 का था जब मैंने लिया था, तो प्राइस बहुत कम थी और एक ही बचा था तो फिर मैंने ले लिया। और ये जो कुर्ती पहनी है मैंने क्लब फैक्ट्री से ली है, कुर्ती और पैंट का पूरा सेट है ओनली 500 का। इसका मैंने हॉल कर दिया है तो उसके लिंक आपको मिल जाएगी। इसकी बात करते हैं तो ये बॉटम ग्रीन कलर का है, इसके अंदर आपको गोल्डन प्रिंट मिलती है और इसका फैब्रिक जो है वो रेयॉन का है, और यहाँ से आप देखोगे तो स्टैंड पट्टी वाला आपको नेक मिलता है और अच्छा है, अफोर्डेबल है। स्लीव में देखते तो आपको ऐसी गोल्डन प्रिंट मिल जाती है जिसकी वजह से इसका लुक पूरा हैवी हो जाता है, बिकॉज की इसके अंदर जो है वो गोल्डन प्रिंट है। नेक में आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसी गोल्डन प्रिंट वाली बॉर्डर इस टाइप की मिलती है, तो नेक इस टाइप का है। और ये लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ती है, रेवन की है और लिटल मतलब कि सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, इसमें आपको लाइनिंग चाहिए बट डार्क कलर है तो मे बी चल जाता है। और स्लाइड स्लिट है वो नीचे से स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी स्लिट नहीं है और वहां पे भी आपको ऐसी गोल्डन बॉर्डर मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी अच्छी है, बट इसमें आपको लाइनिंग चाहिए। मेरी हाइट 5'3" है और मैं जनरली एल साइज बाय करती हूँ। बैक साइड भी आपको ऑल ओवर ऐसी गोल्डन प्रिंट मिल जाती है इसमें, तो बिग थम्स अप है, आप डेफिनेटली ले सकते हो ये वाली जो है वो। उसके साथ जो प्लाजो है, प्लाजो मुझे लगा कंफ्यूजन था क्या प्लाजो है या पैंट है, तो इसके साथ प्लाजो है, तो वेस्ट में आपको इस तरह का इलास्टिक मिल जाता है इसमें, और इसके अंदर भी आपको लाइट पिंक एंड गोल्डन प्रिंट मिलती है प्लाजो में। ये कैजुअल प्लाजो जो आते हैं लॉन्ग स्ट्रेट कट वाले प्लाजो वो टाइप का है, साइड में आपको पॉकेट्स भी मिलते हैं, एक साइड तो है दूसरी साइड देख लेते हो, एक साइड पॉकेट मिलता है आपको, तो आप छोटी मोटी चीजें आप रख सकते हो। और इसका फैब्रिक अगेन रेयॉन का है, ये भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, जितनी कुर्ती थी इतना सेम है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का बोल सकते हैं इसको, तो इस तरह का है प्लाजो जो है पूरा। बैक साइड भी आपको ऑल ओवर ऐसी प्रिंट मिलती है ऊपर से नीचे तक, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। प्राइस अकॉर्डिंग देखते हैं तो 600 समथिंग में आपको मिलता है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद मैंने ये भी आई थिंक नई ब्रांड ट्राई की है, ये भी मे बी 1 piece बचा था और 600 समथिंग में मुझे पड़ा था। इसकी प्राइस तो यहाँ पे लिखी हुई है 1899 rupees, यानी 1900 हम गिन लेते हैं वो, लेकिन ये मुझे 600 समथिंग में पड़ी थी। रेयॉन की है, ब्लू कलर की है, प्रिंटेड है, अभी समर आने वाला है तो समर के लिए कॉटन चाहिए या फिर आपको रेयॉन चाहिए, तो इसके लिए ये बेस्ट है। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और एवरीडे के लिए बेस्ट है, इवन आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, टीनेजर हो तो भी पहन सकते हो, वो टाइप की है। इसका नेक जो है ये आगे से ऐसा वी नेक है इस तरह का, और इसके अंदर व्हाइट कलर की प्रिंट मिलती है, स्लीव में भी ऐसी व्हाइट प्रिंट मिल जाएगी, बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसका जो है वो, और इसमें आपको लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अनारकली है, आई थिंक नी लेंथ तक जाएगा, और नीचे भी आपको ऐसी व्हाइट प्रिंट मिलती है, बीच में भी आपको ऐसी व्हाइट कलर की प्रिंट मिलती है। ये पिक में बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत ही पसंद आया था। बैक साइड आपको ऐसी दोरी मिलती है, इस तरह का नेक मिलता है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा नेक है डिप नेक, और बैक साइड भी ऑल ओवर आपको ऐसी प्रिंट मिल जाती है व्हाइट कलर की, तो जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत ही हैवी आता है, तो इसके लिए भी बिग थम्स अप है, इसको भी आप डेफिनेटली ले सकते हो।
गाइस आज के वीडियो में यही था। आपको कौन सी वाली कुर्ती सबसे ज्यादा पसंद आई है वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो मुझे भेज सकते हो, गिव अवे भी देख लेना, DIY वाली चैनल भी देख लेना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।